फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल मेक फिजिक्स इजियर बाय मयूर अग्रवाल। आज हम लोग लेंस का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन आज का पार्ट पहले दोनों पार्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आज हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व किए जाते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज के, लेंसेज के न्यूमेरिकल्स किस तरह सॉल्व किए जाएंगे, उनमें डिस्टेंसेस को साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करते हैं, इस मामले में आज हम लोग बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिनमें स्टूडेंट्स को काफी सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मेरे तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। मेरा बताया हुआ तरीका बुक के तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा और न्यूमेरिकल्स को आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले I would like to request you, those students who have not subscribed my channel yet, then they have to subscribe my channel if they want more videos, more information. और जो बच्चे देख कर लाइक नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक भी करते रहे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेंसेज न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए सबसे पहले तो हमें जो फॉर्मूले यूज होने हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। We have two formulae. First is lens formula. Lens formula होता है 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. And the second one is magnification formula. This is the second one, magnification. Small m is equal to I upon o is equal to v upon u. There are two equal signs. इसका मतलब है एम आई अपॉन ओ के इक्वल भी लिखा जा सकता है और एम वी अपॉन यू के इक्वल भी लिखा जा सकता है। एम बेसिकली क्या है? मैग्निफिकेशन। तो अगर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, सो सिंपली यू कैन से द रेशियो ऑफ आई एंड ओ। आई और ओ क्या है मैं भी आपको बता देता हूं। तो हमें ये जो भी सिंबल्स दिख रहे हैं, सबसे पहले तो इन सिंबल्स की मीनिंग हम लोग समझते हैं कि वॉट आर दीज सिंबल्स। सो सबसे पहला सिंबल हमें दिख रहा है एफ। सो एफ मीन्स फोकल लेंथ। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में लेंस के पार्ट वन में फोकल लेंथ की डेफिनेशन सीखी थी, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फर्स्ट फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सेकेंड थिंग इज वी। वी मीन्स इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर से इमेज, प्रिंसिपल एक्सिस पर जो इमेज बनेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। यू इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, दैट इज यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट एम। एम फॉर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज जस्ट द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई। आई मीन्स साइज और यू कैन से हाइट ऑफ इमेज। एंड द लास्ट सिंबल ओ, साइज और वी कैन से हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द फॉर्मूले एंड देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स। तो ये उन सभी सिंबल्स के जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि कौन सा सिंबल यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें इतनी ही फिजिकल क्वांटिटीज एक लेंस के न्यूमेरिकल में दिखती हैं, इसके अलावा और कोई क्वांटिटी हमें नहीं दिखती है। सो जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू द फॉर्मूले, देयर आर टू फॉर्मूले विल बी यूज्ड एंड दीज थिंग्स। एक और फॉर्मूला है जो बहुत कम लेकिन यूज हो सकता है, आर इज इक्वल टू टू एफ, वेयर आर इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका भी यूज आपको किया, आपको न्यूमेरिकल में करना पड़ सकता है। सो आर इज इक्वल टू टू एफ, फॉर्मूला नंबर वन, फॉर्मूला टू एंड फॉर्मूला थ्री। ओके, अब इन फॉर्मूले का यूज कैसे होगा? मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उसके सामने रखा गया है ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूर। इसका मतलब है आपको क्वेश्चन में एफ दे दिया गया, यू दे दिया गया, आपको वी निकालना रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, मतलब हमें यहां पे तीन क्वांटिटीज दिख रही हैं, तो तीन में से ऑब्वियसली जब हमें दो की वैल्यू मालूम होगी तभी हम तीसरी क्वांटिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसी तरह यहां पर
एम इज इक्वल टू आई बाई ओ। कभी कभी हमें फॉर्मूले का सिर्फ इतना पार्ट यूज करना पड़ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आई और ओ की वैल्यू दी जाए तभी एम निकले। अगर हमें क्वेश्चन में आई और ओ की वैल्यू ना देकर वी और यू दिया है तभी हम एम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमें एम के इक्वल दिख रहा है। और कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं न्यूमेरिकल्स में, ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं होती है, हम सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाते हैं आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो मतलब कहने का यह है कि फॉर्मूला भले डायरेक्टली दिख रहा हो आपको, लेकिन उसकी एप्लीकेशन, उसका यूज कई तरह से किया जा सकता है। सो दिस इज द बेसिक नॉलेज। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो है साइन कन्वेंशन। सो साइन कन्वेंशन में ही स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि साइन कन्वेंशन मतलब यू वी और एफ ओ आई, जितने भी सिंबल्स मैंने आपके सामने लिखे, दे आर टेकन पॉजिटिव एंड दे आर टेकन निगेटिव व्हेन एंड वेयर। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी पॉजिटिव और निगेटिव लिया जाएगा इसको आप कंपेयर करा सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मैं यहां पर एक रफ फिगर बना दे रहा हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। आप जानते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिस इज एक्स एक्सिस, दिस विल बी वाई, एक्स डैश, वाई डैश। नाउ यहां पर हम जानते हैं सारी जो एक्स की वैल्यूज होती हैं दे आर पॉजिटिव राइट साइड, और अगर हम लोग लेफ्ट साइड की बात करें तो एक्स की सारी वैल्यूज निगेटिव, वाई की सारी वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव अपवर्ड्स, और डाउनवर्ड्स वाई की सारी वैल्यूज होती हैं निगेटिव। तो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान में रखना होगा। नाउ साइन कन्वेंशन का पहला रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में पहला रूल हम ये पढ़ेंगे यू, यू इज ऑलवेज निगेटिव, ये हमारा पहला रूल है। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव साइन के साथ यूज करेंगे। अब आप इसको समझ कैसे सकते हैं वो देखिए, हम लोगों ने लेंस के सेकेंड पार्ट में रे डायग्राम्स बनाना मैंने आपको बताया था। सभी रे डायग्राम्स में मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर, लेंस अगर मैं इस तरह से रखता था, मैं लेंस यहां पर रखता था तो हमेशा मैं ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट साइड दिखाता था, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड दिखाने का मतलब क्या है, अगर मैं इससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कंपेयर कर रहा हूं यानी कि एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड ऑब्जेक्ट को, प्रैक्टिकली हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो लेंस के दोनों ही तरफ हम ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें न्यूमेरिकल में या एजुकेशनल पर्पस के लिए तो हम हमेशा लेंस के लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो इसीलिए लेफ्ट साइड हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निगेटिव एक्सिस की तरफ होता है, सारी वैल्यूज निगेटिव होती हैं, इसीलिए यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी। कैसा भी न्यूमेरिकल हो, लेंस कैसा भी हो, यू इज ऑलवेज निगेटिव। एक बात और, अगर यू क्वेश्चन में दिया है देन इट इज टेकन निगेटिव, लेकिन अगर यू की वैल्यू आप निकालने जा रहे हो, यू अननोन है, तब आप उसके उसकी वैल्यू में माइनस साइन नहीं लगाओगे। जब क्वेश्चन में यू की वैल्यू दी गई हो देन ओनली यू विल एड माइनस साइन विद द वैल्यू ऑफ यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है F और V मतलब फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दिया है और हमें U निकालना है, मान लीजिए हमें ये F है और ये फॉर्मूला में लिखा है, यहां पर हमें 20 लगा दिया, सपोज फॉर एन एग्जांपल यहां 15 लगा दिया। अब आपको मैंने रूल लिखा है U इज ऑलवेज निगेटिव, तो पता चला आप यहां पे ये कर दो, यहां पे माइनस यू लगा दो, ये तरीका गलत माना जाएगा। जब यू दिया गया हो तब उसकी वैल्यू के साथ माइनस का साइन लगाते हैं, अगर यू अननोन है हम निकालने जा रहे हैं तब हम उसमें माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। So this is the sign convention's first rule. Sign convention का पहला rule था U is always taken negative. Second rule, V is positive for real image and negative for virtual image. जैसा कि आपने part 2 में सीखा था, पार्ट टू में आपने सीखा था रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड राइट साइड ऑफ द लेंस। जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं वो लेंस के, अगर हम इस एक्सिस की बात करें, अगर यहां पे लेंस रखा हुआ है तो जो भी रियल इमेजेस होती हैं वो इस तरफ बनती हैं, सारे रियल इमेजेस, और अगर वर्चुअल इमेजेस की बात करें तो वो लेंस के लेफ्ट साइड बनती हैं। तो इसका मतलब क्लियर है, राइट साइड जो भी डिस्टेंसेस होती हैं दे आर टेकन पॉजिटिव, हेंस वी, वी मींस इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जब रियल इमेज बन रही होगी तो हमें उसको पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, और जब वर्चुअल इमेज बन रही है तो हमें निगेटिव साइन के साथ लेना है। नाउ द थर्ड केस,
F, which means focal length. F is positive for convex lens. Convex lens की अगर focal length ले रहे तो positive ली जाएगी, और यही जो F होता है that is negative for concave lens. कॉनकेव लेंस के लिए ये निगेटिव होगा. अगर क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, बिकॉज एज वी नो वेरी वेल जो कॉन्वेक्स का फोकस होता है फर्स्ट फोकस वो कहां होता है राइट साइड, और कॉन्केव का फर्स्ट फोकस कहां होता है लेफ्ट साइड. तो इसको भी आप राइट और लेफ्ट के कॉन्सेप्ट से क्लियर कर सकते हो, याद रख सकते हो. फोर्थ रूल, ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट्स हाइट. ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव. जैसा कि हम जानते हैं हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं, और वाई एक्सिस जो ऊपर की तरफ होती है वो पॉजिटिव साइन के साथ ली जाती है. दैट इज वाई ओ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कैसा भी न्यूमेरिकल हो. फिफ्थ वन इज आई. आई इज पॉजिटिव फॉर इरेक्ट इमेज एंड निगेटिव फॉर इन्वर्टेड इमेज. इरेक्ट एंड इन्वर्टेड का मतलब मैं आपको सेकेंड वीडियो में समझा चुका हूं. जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है देन इट इज कॉल्ड इरेक्ट इमेज, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है देन द इमेज इज कॉल्ड इन्वर्टेड. तो अगर इमेज इरेक्ट बन रही है तो उसकी जो हाइट होगी, हाइट ऑफ द इमेज, दैट विल बी टेकन पॉजिटिव, और अगर इमेज इन्वर्टेड बन रही है देन इट इज टेकन विद निगेटिव साइन. सो दीज आर द फाइव rules of sign convention. They are very important for solving the numerical part. ठीक है, अब मैं आपको एक numerical छोटा सा discuss कर लेता हूं जिससे कि उसमें सारी चीजें, सारे rules और sign convention दोनों ही apply करना आप सीख जाओगे. And one more thing I want to tell you that sometimes in the numericals ray diagrams also asked. कभी कभी रे डायग्राम भी पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल में. आपको न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लिया, उसके बाद आखिरी में एक स्टेटमेंट रहता है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द गिवन केस. तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, मैं आपके सामने एक रफली न्यूमेरिकल लिख रहा हूं. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज ऑफ 4 सेंटीमीटर हाइट. एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाइट इज placed at 20 centimeter in front of a convex lens of focal length 15 centimeter. Find nature, position and size of the image. ये कंप्लीट न्यूमेरिकल है, और यही मैंने एक और ऐड कर दिया है चीज, ड्रॉ रे डायग्राम. इसी केस के लिए रे डायग्राम भी बनाइए. सो द नॉलेज ऑफ पार्ट टू, जो मैंने पार्ट टू वीडियो बनाया था, रे डायग्राम्स की नॉलेज भी आपको पूरी होनी चाहिए. और मैं आपको बता दूं, जिस स्टूडेंट को रे डायग्राम्स की नॉलेज अच्छे से होगी वो अपने न्यूमेरिकल को चेक भी कर सकता है कि उसका न्यूमेरिकल उसने जो सॉल्व किया है वो सही है या नहीं. सो सबसे पहले देखते हैं, अगर मैं यहां पहली न्यूमेरिकल क्वांटिटी देखें तो ये 4 सेंटीमीटर दी गई है. 4 सेंटीमीटर हाई मतलब ये क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो ओ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, और जैसा कि साइन कन्वेंशन में मैंने बताया ओ इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव. नेक्स्ट थिंग, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट. 20 सेंटीमीटर का मतलब है ये यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव ली जाती है, इसलिए मैंने यहां पर निगेटिव साइन लगा दिया. In front of a convex lens of focal length 15, because convex lens है तो जैसा कि sign convention में हम जानते हैं convex lens की focal length positive sign के साथ ली जाती है, that is why plus 15. ये तीन values दी गई है हमें. क्या क्या निकालना है हमें, v का मतलब ये जो position हमसे कह रहा है, find the position of the image, ये v आ जाएगा. I अगर आ गया then the size of the image will come, और जो V और I के साइन आएंगे प्लस या माइनस वो हमें क्या बता देंगे, नेचर ऑफ द इमेज. तो ये हमारा टारगेट है. तो सबसे पहले हमें U मालूम है और F मालूम है, तो पहला लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं V निकालने के लिए. सो V को सब्जेक्ट बनाएंगे तो फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा. अब हम वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं, 1/15 प्लस 1/-20 इज इक्वल टू 1/V. प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दैट इज वाई द क्वेश्चन विल लाइक दिस. Now, we take LCM 15 or 20 का LCM 60.
जैसा कि हम देख रहे हैं वी का साइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। अब साइन कन्वेंशन को याद करिए, अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इस चीज का क्या मतलब है, द इमेज इज रियल। अगर वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर यहां निगेटिव आती तो मैं यहां वर्चुअल लिखता। नेक्स्ट थिंग, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। आई हमें निकालना है, ओ दिया गया है 4, वी की वैल्यू आई +60, यू की वैल्यू आई है -20। सॉल्व करेंगे सो आई विल बिकम -12। माइनस होने का मतलब क्या हो गया, इन्वर्टेड। आई की वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो उसका मतलब इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। और आगे जानते हो रियल और इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन हमेशा साथ में चलता है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता तो अपने आप समझ जाते आप न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, क्योंकि रियल और इरेक्ट का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं आएगा। सो दिस इज द कंप्लीट केस। अब हम बात कर लेते हैं रे डायग्राम की। तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे, अब रे डायग्राम तो हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, सो देयर आर ओवरऑल 6 केसेस। अब उन 6 केसेस में ये कौन सा है, तो देखिए बेटा फोकल लेंथ कितनी है 15, ऑब्जेक्ट रखा कितने पर है 20 पर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए ये हमने लेंस बनाया और ये जो F1 होगा हमारा दैट इज ऑफ 15 और ये जो 2F1 होगा तो ये हो जाएगी पूरी डिस्टेंस 30 और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 पर, यानी F1 और 2F1 के बीच में। तो जो केस हमें वो वाला केस याद करना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1। सो ऑब्वियसली यहां पे F2 बना लेंगे, यहां पे 2F2 बना लेंगे। वन रे टेकन पैरेलल व्हिच विल पास थ्रू द फोकस, सेकेंड रे विल टेक फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर व्हिच विल मूव स्ट्रेट अवे। सो बियॉन्ड 2F2 दे विल मीट, 2F2 के थोड़ा सा पीछे वो मीट करेंगी। और बाकी अगर आप क्वेश्चन को रीचेक करना चाहते हो तो उस रे डायग्राम में जो भी प्रॉपर्टीज बनती हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, वो देखिए तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही हैं। रियल इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 4 सेंटीमीटर और इमेज कितनी आई है 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है इमेज है कैसी, मैग्नीफाइड। सो दिस विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। ये याद रखिएगा यहां का ये जो माइनस साइन है, आप ये बात ध्यान रखिए डिस्टेंसेस कैन नेवर बी निगेटिव, लेकिन ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि इमेज की प्रॉपर्टी इन्वर्टेड है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा आप किसी भी लेंस के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम फाइनल आंसर जरूर लिखोगे, फाइनल आंसर में सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव दिखाओगे विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेजेस। सो दिस इज द कंप्लीट नॉलेज ऑफ सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स इन केसेस ऑफ लेंसेज। मैं यही चाहूंगा आपसे, इस वीडियो को देखिए, कई बार देखिए, जिससे कि आपके सारे पॉइंट्स और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। उसके तुरंत बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आए मुझसे आप पूछ सकते हैं। यू हैव कमेंट बॉक्स में अपना न्यूमेरिकल भेज सकते हैं, मैं आपको किसी ना किसी वे में आपको आंसर दे दूंगा। सो अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा लेंस का एक और पार्ट है, उसमें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।